सभी को मेरा जय हिंद और वंदे मातरम। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना। जो इंफॉर्मेशन बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी, जो किसी भी जो डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है अपना एक बार एडमिट कार्ड आने से पहले यानी 27 तारीख होने से पहले अपना चेकआउट कर दें। यदि ये गलती आपकी पाई गई तो शायद आप एडमिट कार्ड नहीं आएगा और इस सेना भर्ती में आप वंचित हो जाओगे, शामिल भी नहीं हो पाओगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है भाई, तो जो भी बंदे देख रहे हैं कंप्लीट देख लेना। जो आपको इंफॉर्मेशन बताने वाला हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कह सकते हो आपके सबसे बड़ी है खबर कह सकते हो। इस वीडियो को जितना उसका फॉरवर्ड करना, जिसे हर भाई तक इंफॉर्मेशन पहुँचनी जरूरी है। मैंने खुद इस चीज़ को नोटिस किया है, देखा है, इसीलिए मैं आपको इन्फॉर्मेट कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़, मैंने 2 भर्तियाँ अटेंड किए हैं इसी जो ग्राउंड में, तो मुझे इस फील्ड का पूरा नॉलेज है। दूसरी चीज़, अलवर, अजमेर और जितने भी जो अभी भर्तियाँ हुई थी उन सभी में लगभग मैं गया था और देखी हूँ मैंने, ठीक है। वहाँ पर जो बहुत से बंदों के जो इस चीज़ को सुना हूँ, इसीलिए मैं आपको स्पेशली बता रहा हूँ। यदि जो आपकी ये गलती पाई गई तो आप सेना भर्ती में वंचित रहोगे, सेना भर्ती में आप शामिल नहीं हो सकोगे। कौन कौन सी गलतियां मैं जो आपको बताने वाला हूँ, और कुछ 5 बातें हैं जो आपके लिए वो स्पेशली बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी। इनमें से जो आप 1-2 भी आपने पल्ले बांध दी तो गारंटी के साथ कहता हूँ कि कहीं ना कहीं आप सेट हो जाओगे, सेटल हो जाओगे। इसमें जो जानकारी बताऊँगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़, शामिल होने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा जो अपना एडमिट कार्ड। आपका फॉर्म ही सबमिट नहीं हो पाया तो आप जो आप एडमिट कार्ड कहाँ से आएगा आपका, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देख लेना, ज़्यादा यूज़फुल है। ओके, दूसरी चीज़ यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो मैंने जो अलवर और अभी जो जयपुर में हुई थी भर्ती, उसको भी मैंने जो देखा था वहाँ पे, और बहुत से बंदों की ये चीज़ मैंने सुनी थी कि सर हमने तो फॉर्म भरवा दिया था लेकिन हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया। ये चीज़ वहाँ पे बंदे मुझे कॉल कर रहे थे कि सर हमने फॉर्म तो भर दिया लेकिन एडमिट कार्ड नहीं आया। क्या दिक्कत हुई जब उन्होंने, मैंने जो उनका लॉगिन करके देखा, पासवर्ड डाल के उनका सब कुछ देखा, तब उनका फॉर्म ही सबमिट हो पाया था। तो यार आपको एक चीज़ बोलूँगा, ई मित्र वाला कुछ भी करे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप चेकआउट नहीं करो, आप नहीं देखो तो सबसे बड़ी आपकी गलती होगी। क्योंकि उसका काम है वो भर के छोड़ दिया, उसने वो पैसे ले लिए आपके, सब कुछ हो गया, लेकिन गलती आपकी है। और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी आपकी, 2-3 साल की जो आपकी मेहनत है वो व्यर्थ चली जाएगी यदि जो ये गलती पाई गई तो आपको। और मुझे ये भी बताएं कि बहुत से बंदे ये चेक करने जाएंगे और बहुत से बंदों के 1-2 तो मिल ही जाएंगे जिन्होंने ये चीज़ गलती की होगी और उन्हें ये जो एडमिट कार्ड का वेट कर रहे हैं। रियल बोल रहा हूँ भाई, एक बार सभी को बोल रहा हूँ, एक बार अपना एडमिट कार्ड चेक आने से पहले चेकआउट कर दें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने खुद देखा इस चीज़ को, एनालाइज किया है। बहुत से बंदे जो ई मित्र वालों के पास में जाते हैं और फॉर्म भरवा देते हैं लेकिन उनका फॉर्म सबमिट नहीं होता, लास्ट में जाके आपको दिखता है सबमिट नहीं हुआ है। तो एक बार चेकआउट कर दें, क्योंकि प्रिंट आउट तो आपको जो दे दिया है वो सबमिट नहीं हुआ है, वो एंट्रोमल नंबर होते हैं और सबमिट होने के बाद आपको जो उस पर दिखेगा सबमिटेड लिखा आता है, और जो स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है इस पर देख लेना, ऐसा ही लिखा आएगा। तो सबमिट जिन जिन का सबमिट होता है उन्हीं का एडमिट आता है, बाकी अदरवाइज किसी का भी नहीं आएगा। जब आपका फॉर्म ही यहाँ से सबमिट नहीं हुआ है तो दूसरे डिपार्टमेंट, जब आर्मी की रिक्रूटमेंट होती है उसमें नहीं जाएगा। जब यहाँ से आप सबमिट करोगे तभी आपके वहाँ पर जाएगा और वहाँ की तरफ से उनके डाटा वहाँ पहुँचेगा और तभी वो उनकी तरफ से आपको एडमिट कार्ड भेजेंगे। ये चीज़ समझ गए ना, तो अपना एडमिट कार्ड आने से पहले ये चीज़ चेक कर दें कि आपका सबमिट हुआ है या नहीं। अब जो मैं बताने वाला हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ देखो समझो। सबसे पहले क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ भाई, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट जो जॉइंट इंडियन आर्मी .nic.in पे जाना है आपको। इस पे जाने के बाद आपको स्पेशली करना है डेस्कटॉप मोड पे इसको कर देना, इस पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जब आप जूम करोगे तभी आपको इसमें समझ पाओगे। इसमें डेस्कटॉप कर देना, उसके बाद में जो आप टिक कर देना। डेस्कटॉप होने के बाद सबसे नीचे आना यहाँ पे, और इसका जो लॉगिन JCO और जो अप्लाई लॉगिन है फर्स्ट वाले पे नहीं लॉगिन करना, आपको JCO वाला पे लॉगिन करना, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे आना है, उसके बाद में जो आपको अपना जो भी ईमेल आईडी डाला है आपने, जो आपका ईमेल आईडी है वो डालना है आपको, ठीक है। उसके बाद में पासवर्ड डाल देना, पासवर्ड डालने के बाद आपको जो डायरेक्ट जो ये कोड दे रखा है ये कोड यहाँ पे फिलअप करना है और डायरेक्ट आपको लॉगिन कर देना। यदि ये भी नहीं हो रहा है, आपके कोई दिक्कत आ रहा है, पासवर्ड गलत है या कुछ और, तो आपका जो भी है पासवर्ड यदि गलत होता है आपको पता नहीं है तो आप यहाँ पर फॉरवर्ड कर क्लिक कर देना। फॉरवर्ड करते ही आपको जो एक ईमेल आईडी पे आपको मैसेज आएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट में आपको जो आपका जो ईमेल आईडी वो आपको डाल देना, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देना, जो 10वीं के आपके जो या मार्कशीट का जो नंबर है वो आपको डाल देना। ये भी नहीं हो पा रहा है तो आपको डायरेक्ट अपना मोबाइल नंबर है वो डाल के आप यहाँ पे सबमिट कर देना, तो आपके जो भी ईमेल आईडी है उस पर आपको चला जाएगा मैसेज। और ये जरूर कोड डाल देना जिससे आपका कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोड यहाँ पे वही डलेगा जो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ होने के बाद लॉगिन आ जाएगा और इसमें आपको डायरेक्ट एक मैसेज आएगा जो आपके ईमेल आईडी पे आएगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो ईमेल आईडी पे एक मैसेज आएगा कि आपका जो ये लॉगिन हो गया और इसमें जो आपके ये पासवर्ड मांगे जाएंगे, तो सिंपली वहाँ से जो पासवर्ड कॉपी करके डायरेक्ट यहाँ पे आ जाना। मैं आपको पासवर्ड भी दिखा देता हूँ कैसे आता है।
देखो मेरे भाई, ये जो आपको ऐसे जो पासवर्ड देखने को मिलेंगे, ऐसे जो कुछ जानकारी मतलब मिलेगी, तो समझ लीजिए आप सबसे ऊपर दे रखे होंगे आपके जो भी पासवर्ड हैं वो क्रिएट हुए हैं, नए पासवर्ड आपको पता नहीं है, तो वो पासवर्ड आएंगे यहाँ पे सिंपली, यहाँ पे कॉपी कर देना, वो कॉपी करने के बाद लॉगिन कर देना। सिंपली मैं आपको यहाँ पर लॉगिन करके बताता हूँ, उसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने पेश करने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब जो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपके यहाँ पर कैच जो आता है कैप्चा, वो आपको डाल लेके लॉगिन कर देना है। देखो मेरे भाई, ये जो मैंने लॉगिन कर दिया, अभी जो लॉगिन करने के बाद आपको एक चीज़ नोटिस करनी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने फॉर्म भरा होगा, तो फॉर्म भरने के बाद आपको यहाँ पे हिस्ट्री एप्लीकेशन देखना है, आपको इस सेक्शन में जाके अपना जो भी है इंफॉर्मेशन चेक कर देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि ये गलती हुई आपकी तो शायद आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, मैं रियल बोल रहा हूँ, बहुत से तो मैंने देखा है। यहाँ पे सिर्फ अपने हिस्ट्री पर क्लिक करोगे, सारी हिस्ट्री पर आ जाएगा, और आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर देखना है कि जो अपना फॉर्म भरा है, जिस तारीख को आपने फॉर्म भरा है, यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है। सबमिटेड लिखा आ रहा है तो सही है, और जिन बंदों के नहीं आ रहा है तो सबमिट लिखा आएगा, सबमिट पर क्लिक करके नीचे आएगा कंटिन्यू, और इसके बाद में सबमिट कर देना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, नोटिस कर देना, क्योंकि बहुत से बंदों के साथ ऐसा गलती हो रही है, और बहुत से बंदे मुझे इस चीज़ को बाद में बताते हैं। इससे पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ कि एडमिट कार्ड नहीं आए उससे पहले आपको, यानी 27 तारीख इसकी लास्ट डेट है, तब तक आप इसमें कर सकते हो, जितने में आप जो भी चेंज करना है कर सकते हो आप। अभी जो आपके पास में टाइम है देख लो, मौका है, और यदि इसके बाद में चले गए तो 1-2 साल आप भर्ती नहीं आएगी, और ऐसे ही आपको बैठा रहना पड़ेगा। इससे अच्छा है आप एक बार चेक कर देना, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना। जिन बंदों का जो सबमिट हो रखा होगा तो यहाँ पे सबमिटेड लिखा आएगा, जिन बंदों के जैसे जो मैंने फॉर्म भरा है, सारे जो फॉर्म भर दिए मैंने, तो इन जो बंदों को और जो इन तारीख को मैंने जो भर्तियाँ भी देखी हैं उनका जो एडमिट कार्ड भी मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो जो बता रहे हैं ना सबमिटेड लिखा आ रहा है। और यदि जो आप सबमिटेड लिखा आ रहा है तो आपको यहाँ पे व्यू भी दिखेगा, व्यू एप्लीकेशन पे आप देख सकते हो, यहाँ पे व्यू भी है, वो आप अपना जो फॉर्म भरा है वो आपको देखने को मिलेगा ऐसा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना एडमिट कार्ड, यहाँ है जो आने के बाद एडमिट कार्ड देखने के लिए अपना सिंपली यहाँ पे क्लिक करना होगा एडमिट कार्ड सेक्शन पे। एडमिट कार्ड सेक्शन जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाओगे, और इसमें जो भी आपका एडमिट कार्ड आएगा वो यहाँ पे आप सिंपली देखने को मिलेंगे। देखो इसमें जो भी मेरा आ रखे हैं सब बता रखे। अब मैं जो फर्स्ट बताऊँगा जो आपको मेरा एडमिट कार्ड आया था, मैंने जो इसमें फर्स्ट भर्ती जो देखी थी जो 16 में देखी थी, है ना, जो 16 में मैंने भर्ती देखी थी, 15/12/2016 को मैंने जो इसमें झालावाड़ की भर्ती देखी थी, उसके बाद में जो कायड़ विश्राम स्थल में जो भर्ती हुई जो 9/2/9/2 इसमें कुछ बता रखा है, तो ये जो अलग अलग जो भर्तियाँ हुई उनकी डेटें बता रखी है, इसके बीच में जो भर्तियाँ हुई वो बता रखी है। इसमें जो आपको प्रिंटआउट देख रहा है इस पर क्लिक करना होगा, डायरेक्ट आपको यहाँ पर जाना होगा, और ये आपका एडमिट कार्ड आपके सामने मिल जाएगा। मैं आपको सिंपली जो अपना एडमिट कार्ड भी दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत से बंदे ये चीज़ पूछेंगे कि भर्ती देखी थी आपने या नहीं देखी, वो भी दिखा देता हूँ। एडमिट कार्ड सिंपली आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिंपली आ जाएगा आपका सारा एडमिट कार्ड जो आपको देखने को मिलेगा, और सिंपली यहाँ पर सारा एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा, उसके बाद नीचे आपको डिस्मोकिंग देखने को मिलेगा, लास्ट में PDF, यहाँ पर PDF डाउनलोड करके आप इस PDF को डाउनलोड कर देना, क्योंकि उस दिन आपकी जो आप भर्ती में जाओगे उस दिन हो सकता है सर्वे डाउन हो या नेटवर्क प्रॉब्लम कुछ भी इशू हो सकता है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। दूसरी चीज़ जो एडमिट कार्ड का जो भी है, जब जिस भी तारीख को आपका एडमिट कार्ड है, तुरंत एडमिट कार्ड रिलीज होने के बाद अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके रख देना, क्योंकि उस दिन हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम कुछ भी, जो सर्वर डाउन हो सकता है या जो अपना साइड नहीं चले, कुछ भी दिक्कतें हो सकती हैं, इसीलिए पहले अपना एडमिट कार्ड रेडी रखना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और इसमें जो कुछ नहीं करना, नॉर्मल बेसिक चीज़, यहाँ पर कोई जो भी डेट है जिस तारीख को आपको भर्ती है वो आपको यहाँ पर डालना होगा, उसके बाद में जो पैलेस है कहाँ पर हो रही भर्ती, दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको सिग्नेचर करके प्रिंट आउट कर देना, ठीक है। प्रिंट आउट आपको करने के बाद ये पूरा जो मिल जाएगा आपको एडमिट कार्ड, ऐसा नहीं कि ब्लैक और जो रंगीन चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप जैसा होगा निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10 रुपये वाला भी आप निकालोगे एडमिट कार्ड तब भी चल जाएगा, और जो 50 रुपये वाला निकालोगे तब भी निकल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आपका ग्राउंड है वो आपको ग्राउंड का नाम दे रखा होगा, दूसरी चीज़ यहाँ पे जो भी जिस तरीके भर्ती होगी वो आपको बता रहा होगा, है ना, और जो आपने जो ट्रेड फॉर्म भरा है उसमें ट्रेड का नाम है आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो आपका फोटो लगा होगा इसमें आपको फोटो लगाना है जो आपका ग्रीन है। और बहुत से बंदे पूछते हैं कि इस तरह जो कैसा होना चाहिए, तो आपको स्पेशली बता रहा हूँ कि आपका जो भी बैकग्राउंड होना चाहिए वो ग्रीन स्पेशली माना जाता है, ठीक है। तो आपको ग्रीन है जो निकाल देना, फोटो जो भी पासपोर्ट फोटो होते हैं वो आपको ग्रीन ले लेना, और यहाँ पर एक फोटो लगा देना अपना, बस ये आपका एडमिट कार्ड पूरा रेडी हो चुका है। 3-4 जो स्टेप हैं इसमें, आप मैंने स्पेशली जो अपना जो डॉक्यूमेंट का वीडियो बनाया है मैंने, उसमें देख लेना, उसमें मैंने पूरी जानकारी बता रखी है मैंने, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी मैंने आपको बता दी, और जो बंदों ने अपने डॉक्यूमेंट अभी तक रेडी नहीं किए हैं तो अब भी रेडी कर देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखी है उस वीडियो की, तो उस वीडियो को देख लेना, क्योंकि डॉक्यूमेंट पे सारे जो स्टेप मैंने जानकारी बता रखी है, कैसे बनाना है, क्या बनाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या प्रोसेस होता है,
सब चीज़ मैंने उसमें बता रखा है, तो एक बार जाके देख लेना। लेकिन किसी मुख्य में देर की है। आई होप कि मैंने जो जानकारी दी है आप इससे संतुष्ट हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में कोई जो भी प्रॉब्लम बता देना, और इस वीडियो को जितना उसके अपने भाइयों के साथ शेयर करना, क्योंकि ये गलती हर दोस्त के साथ हो रही है, और जो बहुत से बंदे जो 27 तारीख के बाद नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए पहले आपको बोल रहा हूँ कि जिन बंदों के साथ वीडियो नहीं शेयर हुई तो शेयर कर देना, क्योंकि दोस्त ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 साल का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा उसका, 2 साल की जो मेहनत है वो मेहनत कर रहा है और इंतज़ार कर रहा है इस प्रति का। यदि ई मित्र वाले की छोटी सी गलती इसकी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती है, ख़राब कर सकती है, तो बहुत से बंदे ओवरेज हो जाएंगे यदि जो ये गलती पाई गई। तो जिन बंदों के साथ जो ऐसी हो रही है, तो अपना जाके चेकआउट कर दें एक बार। स्पेशली जो आपको प्लीज़ हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि ये चीज़ मैंने जो अलवर वाली भर्ती में देखी है, और जो दूसरी जयपुर वाले भर्ती में बहुत से बंदों के बाद में देखी है, जब इनके एडमिट कार्ड आते हैं तब बोलते हैं हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया। तो ये चीज़ मैं आपको नोटिस कराने के लिए आपको स्पेशली बता रहा हूँ कि अपना हिस्ट्री में जाना, हिस्ट्री एप्लीकेशन में जाने के बाद आपको स्पेशली यहाँ पे देख लेना कि जो आपका फॉर्म सबमिटेड लिखा आ रहा है या नहीं आ रहा है। सबमिटेड लिखा आ रहा है इसका मतलब आपका सबमिट हो चुका है, और ये सबमिट ही लिखा रहा है तो अपना देख लेना कि सबमिट कर दें, ठीक है। क्योंकि ई मित्र वाले की गलती कुछ नहीं होती है, ई मित्र वाला जो वहाँ पे भर देता है उसको पता नहीं होता है, बाय बाय ज्वाइंस उसके और भी काम आ जाते हैं तो वो छोड़ देता है। तो इसलिए आपको स्पेशली बता रहा हूँ कि आपका एक बार जाके खुद चेक कर देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। सभी को मेरा जय हिंद और बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी में कंटिन्यू रहे हैं। जय हिंद और वंदे मातरम।